सुषमा जी यहाँ खड़ी होके महंगाई पे जब चर्चा करते थे हम वहां बैठते थे, अभी भी मुझे याद है उनका एक एक शब्द तब का, कि तभी महंगाई पे हम पे टीका टिप्पणी जो करती थी बहुत शांति थी, हम सुनते थे क्योंकि हमको लगता था वो कुछ फीडबैक दे, और हमेशा उनके भाषण में कुछ सुझाव होते थे और हम उनके सुझाव सुनते थे और उन पर अमल करने की कोशिश भी हमारी यूपीए की सरकार करती थी। आज निशिकांत दुबे जी जब कह रहे थे बड़े बड़े नंबर्स और 60 सालों की बहुत अच्छा हिस्ट्री लेक्चर सुनाया उन्होंने, बहुत सारी बातें 60 साल की बोली उन्होंने, लेकिन अभी उनको भी वहाँ बैठे 8 साल हो गए। मैंने पिछली बार एक बार बोला था, फिर दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका 60 साल का हिस्ट्री का लेक्चर इतना लंबा चला, मुझे सिर्फ उनको याद दिलाना एक बार कि 8 साल बहुत होते नहीं, बहू भी शादी होके जब घर आती है ना तो 8 साल के बाद शादी में कोई नहीं सुनता कि ये लेगेसी इश्यूज है, मेरी सास के टाइम से चल रहा है। 8 साल में वो बहू उस घर की फुल फ्लेज मेंबर हो जाती है, तो यही महंगाई का प्रॉब्लम है। मुझे उनके शब्द सुषमा जी के याद है जो आज इनके भाषण पे पूरे लागू होते, फैसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता, आम आदमी केवल वो भाषा समझता है उसके जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। जिस किस किस पे इन्होंने जीएसटी लगाया है मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं। अभी ये जीएसटी के मामले में अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कविता लिखते हैं, वो पढ़ के फिर मैं आपके जीएसटी के, हम जब बच्चे थे सर हमको ये सिखाया गया था, दत्ता दत्ता, जैसे दत्त भगवान आप जानते होंगे, दत्त दत्ता दत्ताची गाय, मतलब दत्तक की गाय, गायच दूध, गाय का दूध, दूधाची साय, दूध पे जो साय आती है ना वो, साईच दही मीन्स वो साय का दही बनता है, दहीच ताक तो वो दही का ताक बनता है, ताकाच लोणी बटर, और लोण्याच तूप मतलब घी, तो ये दत्त दत्त दत्ताची गाय, गायच दूध, दूधाची साय, साईच दही, दहीच ताक, ताकाच लोणी, लोण्याच तूप। ये सब कविता सुन सुन के हम बड़े हुए, इस पे दत्त गुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे आपने जीएसटी लगा दिया है। सही है, भगवान पे अभी तक नहीं लगाया। सो आप सोचिए, पनीर, कर्ड, लस्सी, जैगरी, शुगर, नेचुरल, पफ्ड राइस, मुरमुरा, हमारे सारे कलकत्ते के दोस्त कब से बोल रहे हैं उसके बारे में, मुरी के बारे में, राइस, व्हीट, टेंडर कोकोनट, राइस फ्लावर, और निशिकांत जी गेहूं के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा उनका सुन के। वो कह रहे थे कि देश के हर गरीब को हम खाना दे रहे, अच्छी बात है। कोई जब देश का प्रधानमंत्री जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको जब खाना देता है तो उसकी दुआई लेके जाता है और फिर हिसाब नहीं मांगता। माँ बाप सरकार होती है, जब माँ रोज बच्चे को खाना खिलाती है ना तो उसके आभार नहीं मांगती, वो उसका हक है। माँ प्यार से खाना खिलाती है और बच्चा प्यार से वो आशीर्वाद समझ के खाना खाता है, इसको अन्नपूर्णा इस देश में कहते हैं। तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे क्या, इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है तो मुझे दो टाइम का आपने खाना दिया है, ये आपकी सोच है। सुषमा जी का पूरा डायलॉग आप भूल गए। तो जीएसटी के बारे में और एक बार इनका जवाब जब आएगा तो कहेंगे जीएसटी काउंसिल ने किया, हर मंत्री स्टेट्स ने किया है। ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ और खट टेबल भी कर सकती हूँ सर, कि महाराष्ट्र सरकार, तब हमारी सरकार इन्होंने तोड़ी नहीं थी, अच्छे से चल रही थी, तो जब चल रही थी तो महाराष्ट्र की तब की महाविकास आघाड़ी सरकार ने इन्हें ऑन रिकॉर्ड खत लिखा था कि ये सब मत करिए। तो जीएसटी काउंसिल का हमें मत बताइए कि महाराष्ट्र सरकार ने भी सपोर्ट किया था सभा, और ये कभी वोटिंग लेते हैं क्या? बहुत सारी चीजें मैंने पिछली बार भी माननीय वित्त मंत्री से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसी है कि या नहीं भी, ऑन रिकॉर्ड वो हाँ या ना में जवाब दे कि आप सारी चीजें जीएसटी काउंसिल में जो पास होती है वो यूनैनिमसली होती है, अगर नहीं होती होती तो किस राज्य ने विरोध किया, ये हमसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये साफ हो जाए, क्योंकि हम सुन के थक गए कि जीएसटी काउंसिल, ये तो अच्छा इनको मिल गया, मेजोरिटी इनकी है, एक बड़ा बहाना हो गया। डीमोनेटाइजेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं सिर्फ इनको याद दिलाना चाहती हूँ
निशिकांत जी ने कहा कि 60 साल में ये पॉलिसी गलत हुई, ठीक है, बहुत सारी हमारे से गलतियां हुई, यही तो इसीलिए यहाँ आए, नहीं तो वहां बैठे रहते, शायद हुई भी होगी गलती हमारे से, जो काम करता है सर वो गलती करता ही है, कोई बात नहीं, और गलती तो हो गई, लेकिन आप सोचिए डीमोनेटाइजेशन की बात हो रही थी, किसी ने पहले, मैं बोलने नहीं वाली थी लेकिन मैं सिर्फ टिप्पणी कर रही हूँ छोटी सी, इस पे बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में किसी ने बोला, द बांग्लादेश टुडे इज एन एक्सपोर्ट रेमिटेंस एंड एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी एंड वी वर डूइंग वेल टुगेदर. क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ? इंडिया ग्रू एट 3.7 and Bangladesh grew at 8.2 and the only reason was demonetization. और क्या पाया? मैं दोहराने नहीं चाहती जो मेरे पहले वक्ता बोले हैं, लेकिन इतना पैसा मिल रहा है. You keep telling people to go to banks. I want to just bring this to your knowledge very quickly that you are encouraging people to going to the banks, which is welcome. We've all worked very hard to make sure everybody in our constituency all goes to the bank. Sir, आपको पता है खर्चा कितना होता है? अगर आप ATM withdrawal करें तो पता है कितने बार? मेनी बैंक्स अलाउ अप टू 5 फ्री ट्रांजैक्शंस. सो एवरी टाइम यू आफ्टर द 5th टाइम इन सम बैंक्स आप पैसा निकालने जाओगे तो आपको पैसा देना पड़े, खुद के पैसे निकालने के लिए. व्हाइट का पैसा जो इन पे विश्वास रखे आप बैंक में रख रहे हैं, वो खुद का पैसा निकालने के लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है. डेबिट कार्ड एनुअल फी, नाउ व्हाट इज दैट डेबिट कार्ड एनुअल फी? 99 to 75th. और बेचारे का घूम गया कहीं, हो सकता है उसको 200 रुपया उस पर और देना पड़ेगा अगर नया कार्ड बनाओ. बैंक स्टेटमेंट जो हक का अपना है, आपको प्रिंट चाहिए तो 50 या 100 रुपया. मनी ट्रांसफर टू RGTS, मनी ट्रांसफर टू NEFT, सर्विस चार्जेस ऑफ बेसिक बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, चेकबुक चार्जेस, एट द रेट वी आर गोइंग ओनली लाइक दैट गाय का दत्ता का प्रॉब्लम, बैंक में भी वही प्रॉब्लम है, ओनली गोइंग एंड गेटिंग आउट ऑफ द बैंक इज फ्री, रेस्ट यू हैव पे फॉर एवरीथिंग यू हैव टू. सो आई रियली वॉन्ट टू आस्क दिस गवर्नमेंट वॉट इज देयर थिंकिंग. निशिकांत जी टॉक्ड एक्सटेंसिवली अबाउट LPG. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क हिम वन स्मॉल क्वेश्चन, आई वॉन्ट रिपीट ऑल द पॉइंट्स माई अर्लियर कॉलीग्स हैव सेड, बट ही सेड दैट द प्राइस वॉज द सेम, बट ही फॉरगॉट टू मेंशन that the government was paying the subsidy that time. The UPA government never let the cylinder go about 300 and 400. So where is this magic number of 1,000 that he's creating from? Yes. Only he knows, maybe we'll get a reply for it. Somebody talked about the falling rupee. I still remember Sushma ji, and it had pained me, so I'd like to quote her here. Jaise jaise currency girti hai, waise waise desh ki pratishtha bhi girti hai. So last mahila vritt mantri hai aaj, wo पीड़ा जानती है. इन्होंने सिर्फ प्याज का बोला क्योंकि प्याज इज द मोस्ट, इन्होंने ऐसा ही बहुत चतुर है इसलिए सिर्फ प्याज के दाम के बारे में बोला क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है. थैंक यू. आप पेट आंकड़ों से नहीं भरता सर, पेट के लिए और गरीब आदमी को ध्यान लगता है. मुझे सिर्फ विनती है वित्त मंत्री जी, आप एक महिला है, आप घर चलाती हैं, आपके एक बीजेपी के प्रेसिडेंट ने मुझे बोला था घर जाइए, मुझे बोला था आपको नहीं कि आप. आई थैंक आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला, हम दोनों प्रोफेशनल भी हैं. नथिंग इज गोइंग सुप्रिया जी, नथिंग इज गोइंग. वीडियो ला लाइक करा, शेयर करा व आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा. धन्यवाद.